जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड लेकर, जिसमें कि हमारे 56 भाग हो चुके हैं और 57 भाग अब। सुंदरकांड सुनने से ये हम सभी जानते हैं कि हमारे कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आती है। तो बस चले सुंदरकांड की ओर, सुनिए और भगवान की कृपा पाइए। राम तेज बल बुद्धि बिपुलाई, शेष सहस सत सखे न गाई, सक सर एक सोस सत सागर, सब भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीत निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आसु बचन सुने सागर पाही, मागत पंथ कृपा मने माही, सुनते बचन जो असीमती सहाय कृपा कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से रहा मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बांदरों को सहायक बनाया है, मतलब अपनी सहायता के लिए रखा है बांदरों को, ऐसा उसके रावण की सोच है। ये और रावण तो यही सोच रहा है ना, कहां मेरे से जीत सकता है राम। रावण ऐसे मतलब मनी मन में अपने सोच रहा है कि बोल जो बांदरों से अपनी सहायता मांग रहा है तो वो मेरे से कहां जीत सकता है। सहजे भीरु कर बचन दिलाई, सागर छन ठानी मचलाई, मूड़े में साथा करस बढ़ाई, निपु बल बोध में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी कि बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु यानी कि राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभी विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, रावण सोच रहा है कि जिसका मतलब विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य यानी कि ऐश्वर्य कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। दूत क्योंकि दूत तो वहां पे मिलके आए हैं ना, तो दूत तो वैसे ही शरणागत हो गए श्री रामचंद्र जी के, तो दूत के अंदर क्रोध भर आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाभि बचाई जुड़ावो छाती, देह से बामे कर लीनी, रावण सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर यानी कि पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। दूत बोल रहे हैं रावण से, हे नाथ इसे मतलब पढ़वा लीजिए और अपनी छाती को ठंडी कर लीजिए, मतलब अपने आप को तसल्ली कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया।
उल्टे हाथ से पकड़ा उस किसको, चिट्ठी को जो दी थी, और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा, यानी पढ़ने लगा। आपने मन ही हिजाई सट, जने खाल से कुल खीसी, राम विरोध ना उग्रसीस, शरण विष्णु अजीस। दुआ नंबर का पत्रिका में लिखा था, क्या लिखा था, अरे मूर्ख केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा, यानी मैंने किसी की भी शरण में चले जाना तुम उनसे भी नहीं बच पाओगे। दोहा नंबर ख, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ये जो पत्रिका लिखी थी उसमें ये सब लिखा था ना, किसने, लक्ष्मण जी ने, उन्होंने तो भेजा था दूतों को देके। तो ये हुआ हमारा 57 भाग। जय सियाराम। कमेंट में श्री राम जी कुछ तो लिखिएगा जिससे कि अच्छा लगे और श्री राम जी आप पर कृपा करें। कमेंट में श्री राम, राधे राधे, शिव शंकर बोलो, जो आपका मन करे वही लिखिएगा। जय सियाराम, लिखिएगा जरूर। जय सियाराम।